गौरी शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल एंड आज हमारा टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कल मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बता दी थी, आज मैं आपको कुछ उसके एग्जांपल बताऊंगी। मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो बढ़ते हुए क्रम में होता है और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो घटते हुए क्रम में होता है। ये हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये दो क्वेश्चन है, हमें इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2,598, 2,596, 2,584, 2,536। हमें इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, तो इस नंबर में आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखिए, ये है 2,528, ये है 2,596, ये है 2,584 और ये है 2,536। सबसे छोटे नंबर आपको ये दिख रहा है तो पहले इसको लिखेंगे 2,528। लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में हम साइन हम कैसे लगाते हैं कि जिसका वो ऐसा रहता है इधर की तरफ, उधर की तरफ बड़ा नंबर होता है और जिधर की तरफ पॉइंट होता है उधर की तरफ स्मॉल नंबर होता है। तो ये इसकी तरफ कौन सा साइन, किधर की तरफ कौन सा साइन आएगा? यू वाला, मतलब ये यू हो जाएगा क्योंकि छोटा नंबर है तो इधर की तरफ पॉइंट होगा और जिधर बड़ा नंबर है उधर की तरफ ऐसे मुंह खुला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा नंबर आ गया 2,528। इसके बाद हमें देखा है इससे बड़ा, इससे बड़ा ये वाला नंबर है तो हम इसको क्रॉस लगा लें क्योंकि हमने इसको यूज कर लिया छोटा सा, और इसको भी क्रॉस लगा लें क्योंकि हमने यूज कर लिया। ये आपके कम्फर्ट के लिए लगा सकते हो आप। ठीक है, ये देख लिया हमने नंबर। अब इस नंबर से बड़ा नंबर देखेंगे, ये दोनों नंबर बचे। ठीक है, ये है 2,596 और ये है 2,584। तो देखिए इन दोनों नंबर में से कौन बड़ा है? 2,584। ठीक है, तो हम इसकी तरफ कैसे साइन लगाएंगे? ऐसा ही, क्योंकि ये छोटा नंबर है और 2,584 बड़ा नंबर है तो इसकी तरफ साइन लगेगा यू मुंह खोलने वाला 2,584। ठीक है, अब हमारा बचा क्या? ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, बचा क्या? ये, तो ये मतलब लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है तो इधर की तरफ इसे साइन लग जाएगा, लिख देंगे 2,596। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन था ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है, ये हमारा आंसर है। इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, अब ये नंबर से हमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो ये देखिए 6,415, ये देखिए 6,328, ये देखिए 6,244 और ये 6,528। देखिए इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये वाला 6,244। सबसे छोटे नंबर को हम पहले लिखेंगे 6,244 और कौन सा साइन लगाएंगे? ये वाला, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो इधर की तरफ पॉइंट आएगा और जिधर बड़ा नंबर है उधर की तरफ मुंह खुला होगा तो सबसे छोटा नंबर आ गया। इसके बाद देखिए कौन सा नंबर है, ये तीन नंबर बचे हमारे, तो इन तीनों नंबर में से देखिए सबसे छोटा कौन सा है? 6,328। तो इसको लिखेंगे 6,328। इसकी तरफ भी कोई साइन लगाएगी जो इधर लगाया, ये छोटा है और आगे वाला इससे बड़ा है, ये यूज हो गया तो इधर क्रॉस का साइन लगा दो। ठीक है, अब बचा क्या? 6,415 और 6,528। इन दोनों नंबर में से बड़ा छोटा सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला नंबर है ऑब्वियसली, तो हम पता लग लिख देंगे 6,415। ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, क्रॉस साइन लगा तो बचा क्या? ये वाला नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर है तो सबसे लास्ट में इसको लिख देंगे और साइन कौन सा लगेगा? ये वाला, ये जो ये मुंह जिसकी तरफ खुला रहता है उधर की तरफ ग्रेटेस्ट नंबर होता है और जिस तरफ ये पॉइंट होता है जिधर जिधर की तरफ बंदा होता है उधर की तरफ स्मॉलेस्ट नंबर होता है। ये बात आपको समझनी है। इसी टाइप का मैं असेंडिंग ऑर्डर में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन है 2,432, 2,157, 2,648, 2,343। आपको इन्हें किसमें अरेंज करना है? अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इसी टाइप से अरेंज करेंगे, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। और साइन कौन सा लगेगा? साइन हमेशा ये वाला लगेगा, इधर की तरफ जो नंबर आएगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। मैं लिख देती हूँ इधर की तरफ कौन सा नंबर होगा? स्मॉलेस्ट नंबर। और जिधर की तरफ मुंह खुला होगा उधर की तरफ होगा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, साइन वाली।
अब हम चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने आपको बताया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर हम कैसे सॉल्व करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर वो करते हैं घटते हुए क्रम में, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। कैसे करेंगे? अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन है 3528, 3599, 3570, 3539। हमें इनको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पहले देखना है सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि हमें सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है। तो देखिए ये है 3528, ये 3599, ये 3570 और ये 3539। तो इस सब नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये। तो ये सबसे पहले आएगा 3599। इसकी तरफ साइन कौन सा होगा? ये वाला। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये नंबर इस पूरी नंबर में सबसे बड़ा है, तो इधर की तरफ मुंह खोलने वाला साइन आएगा, तो ये इधर की तरफ सबसे बड़ा होगा, तो ये साइन आएगा। ये नंबर यूज हो गया तो क्रॉस का साइन लगा दो। बच्चे कितने? ये नंबर और ये, इनमें भी देखना है सबसे बड़ा। देखिए ये 3528, ये 3570 और 3539। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? ये नंबर। तो इसको लिख देंगे हम 3539। तो ये यूज हो गया, क्रॉस का साइन लगा दो। और साइन कौन सा लगेगा? यही वाला, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, इधर वाले छोटे नंबर्स। ये दो नंबर बचे, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? 3528। इसको लिख देंगे 3528। ये यूज हो गया, क्रॉस का साइन लगा दो। बचा कौन सा? ये वाला। लास्ट में इसको लिखेंगे, क्योंकि सबसे छोटा नंबर है 3570। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या कर रहे थे? पहले हम देख रहे थे सबसे छोटा नंबर, उसको हम पहले लिख रहे थे, और लास्ट में हम सबसे बड़े नंबर को लिख रहे थे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर, उसको लिख रहे हैं पहले, और सबसे छोटे नंबर को लिख रहे हैं लास्ट में। ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर और ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। इसी टाइप में मैं आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए जाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा है, इसमें हमको सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो देखिए, देखते हैं हम 5,800, 5,324, 5,742, 5,890। इन चारों नंबर में से आप देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर है 5,850। तो हम पहले सबसे पहले इसको लिखेंगे और साइन लगाएंगे ये वाला, ठीक है, साइन ये वाला लगाएंगे। अब इसके बाद हमको इससे छोटा नंबर देखना है, यही नंबर यूज होंगे तो क्रॉस का साइन लगा दो। तीन के बचे, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इनमें सबसे बड़ा नंबर है 5,890। इसको लिख देंगे 5,890, ठीक है। आप लगाएंगे साइन कौन सा? ये वाला, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है, तो इधर की तरफ मुंह खोलने वाले साइन और छोटे नंबर वाले नंबर की तरफ स्मॉल वाला पॉइंट वाला साइन। ये यूज हो गया, क्रॉस का साइन लगा दो। बच्चा कौन सा? ये और ये। इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है? 5,742। तो इसको लिखेंगे 5,742। बड़ा नंबर है, तो ये वाला बड़ा वाला साइन इधर की तरफ आएगा और छोटे नंबर की तरफ पॉइंट का साइन। ये यूज हो गया, बचा कौन सा? ये वाला। तो इसको लास्ट में लिखेंगे 5,324। डिसेंडिंग ऑर्डर के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब मैं आपको होमवर्क में सेम डिसेंडिंग ऑर्डर का ही क्वेश्चन दे दूं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 204, 2464, 2989, 2849, 2449, 2415। इन नंबर्स में देखना है कि सबसे बड़ा नंबर हमको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। इन नंबर से देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? 4,215। तो ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा 3,849, उसके बाद आएगा 2,989, और उसके बाद आएगा 2,464। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में हम बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम घटते हुए क्रम में चलते हैं। तो गाइस कल एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय।